अंक पद्धति। आधुनिक कंप्यूटर के विषय में आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वे पूरे संसार में बोली जाने वाली किसी भी भाषा को नहीं समझता है। वह केवल एक विशेष प्रकार की भाषा को समझता है। ये भाषा दो अंकों से मिलकर बनती है, शून्य तथा एक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर को भी अंक पद्धति की जरूरत होती है। कंप्यूटर जिस अंक पद्धति का प्रयोग करता है उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार ये समझना आवश्यक है कि अंक पद्धति क्या होती है एवं एक अंक पद्धति को दूसरी अंक पद्धति में किस प्रकार बदला जा सकता है। अंक पद्धति कुल चार प्रकार की होती है। एक, दशमलव अंक पद्धति। दो, द्विआधारी पद्धति। तीन, ऑक्टल अंक पद्धति। चार, हेक्साडेसिमल पद्धति। एक, दशमलव अंक पद्धति। दशमलव अंक पद्धति में 0 से लेकर 9 तक के सभी अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस अंक पद्धति का आधार 10 होता है। जैसे दशमलव अंक पद्धति उदाहरण, बाइनरी नंबर का डेसिमल निकालना। 1101 बराबर है 1×2^4 जमा 1 जमा 2^3 जमा 0 गुणा 2^2 जमा 0 गुणा 2^1 जमा 1 गुणा 2^0 बराबर है 16 + 8 जमा 0 जमा 0 जमा 1 बराबर 25 डेसिमल। उत्तर 1001^2 बराबर है 25^10। 2. द्विआधारी पद्धति। इस अंक पद्धति में सभी अंकों को 0 एवं 1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात दो अंक 0 एवं 1 कुल दो अंकों के प्रयोग होने के कारण ही इस अंक पद्धति का आधार 2 है। जैसे 1101^2 पीछे दी गई संख्या बाइनरी अंक पद्धति में लिखी गई है। यदि हम इस संख्या को दशमलव अंक पद्धति में बदलेंगे तो निम्नांकित प्रकार व्यक्त करेंगे। दशमलव अंक पद्धति का उदाहरण, उत्तर में सभी 0 और 1 रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। दशमलव अंक पद्धति में लिखी गई संख्या 29 ही बाइनरी अंक पद्धति में 11101 है। बाइनरी अंक पद्धति में अंकों का मान बाएं से दाएं ओर दोगुना होता जाता है। संख्या में बाएं से पहले का अंक मान 1, दूसरे अंक का मान 2, तीसरे अंक का मान 4, चौथे अंक का मान 8 तथा इसी प्रकार आगे होता है। इसके बाद इन अंकों को जोड़ लिया जाता है। यहाँ पर उन्हीं अंकों को जोड़ा जाता है जहाँ बाइनरी अंक पद्धति में उस स्थान पर 1 होता है। इस प्रकार हम बाइनरी अंक संख्या का दशमलव अंक पद्धति के अनुसार मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 16 + 8 + 4 + 0 = 1 बराबर है 29। दूसरे अंक पर 0 इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ बाइनरी अंक संख्या में 0 प्रदर्शित था। कंप्यूटर बाइनरी अंक पद्धति का प्रयोग इसलिए करता है क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एवं इसका निर्माण सर्किट की सहायता से हुआ है। अतः जब तार में विद्युत प्रवाहित होती है तो यह 1 को प्रदर्शित करता है, और यदि उस तार में विद्युत प्रवाहित नहीं होती है तो वह 0 को प्रदर्शित करता है। उदाहरण, माना हमें संख्या 98 भेजना है तो निम्नांकित प्रकार विद्युत प्रवाहित होगी। इस प्रकार एक बाइट संख्या 38 को प्रदर्शित करेगी। एक बाइट में हम अधिकतम 255 तक सुरक्षित कर सकते हैं। संख्या 255 लिखने पर सभी तारों में विद्युत का प्रवाह करना होगा। 3. ऑक्टल अंक पद्धति। ऑक्टल अर्थात 8। ऑक्टल अंक पद्धति में 0 से लेकर 7 तक के सभी यानी 8 अंक का प्रयोग किया जाता है। इस अंक पद्धति का आधार 8 होता है। जिस प्रकार बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 है और बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार इस अंक पद्धति में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल अंक पद्धति का उदाहरण, 4. हेक्साडेसिमल पद्धति। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें अंकों के साथ साथ अंग्रेजी प्रयोग वर्णमाला में प्रयोग होने वाले अक्षरों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस अंक पद्धति का आधार 16 है एवं इस अंक पद्धति में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ABCDEF का प्रयोग किया जाता है। इस अंक पद्धति में 10 के स्थान पर A, 11 के स्थान पर B, 12 के स्थान पर C, 13 के स्थान पर D, 14 के स्थान पर E, 15 के स्थान पर F का प्रयोग किया जाता है। हेक्साडेसिमल अंक पद्धति का उदाहरण, यहाँ D का मान 13 तथा F का मान 15 है। इसी कारण उत्तर लिखते समय हम 15 के स्थान पर E तथा 13 के स्थान पर D लिखें।